हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस का टीचर अगेन। आज अपन बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में। बच्चा जैसे ही नीट की तैयारी चालू करता है तो उसके ये एक डाउट सा पैदा हो जाता है कि इतना वास्ट सिलेबस और इतनी सारी बुक्स, कौन सी बुक्स को मैं प्रीफर करूं, कौन सी बुक को मैं छोड़ूं। कोई लड़का देखता है एच सी वर्मा सॉल्व कर रहा है, किसी को वो देखता है कि अरे यार इस तो यूनिवर्सल सॉल्व कर रहा है। फिर अपन और किसी की बात करते हैं तो अलग अलग बच्चे अलग अलग कोचिंग की शीट्स के अंदर लगे रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगा, ये सभी बुक्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, और ये सभी बुक्स बहुत ही नॉन है आपकी, और ये सारी बुक्स अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो नीट में आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें एक बार सॉल्व हो जाती हैं तो इनको दो बार सॉल्व करनी है, दो बार सॉल्व हो गए तो इनको तीन बार सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक दो तीन, यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, तीनों की एनसीईआरटी 11th और 12th की। ठीक है, केमिस्ट्री की टोटल चार किताबें हैं, बायोलॉजी की अपने पास दो किताबें हैं, और दोबारा अपने पास फिजिक्स की भी चार किताबें हैं। इन किताबों की मतलब, मैं फिजिक्स के लिए तो ये नहीं कहता कि उसकी भी सारी थ्योरी पढ़ो, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपको सारी थ्योरी पढ़नी है। सारे उनमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री में जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स की एडिशनल एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है जो कि बहुत टफ है, और जो नॉर्मल एक्सरसाइज दे रखी है वो भी सॉल्व करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल सारे आपको लेने ही हैं। एज इट इज एम्स के अंदर भी, एज इट इज एनसीईआरटी के फिजिक्स के एग्जाम्पल्स उठ करके ऑप्शंस बना करके वो देते हैं। ये तीनों बुक आपको, तीनों मतलब कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की एनसीईआरटी, टोटल कितनी किताब हो गई, चार चार आठ और दो दस, यानी कि 10 बुक्स। तो सबसे पहले अपने को ये क्लियर करनी है, जब अपने को लगे कि ये 10 बुक्स अपनी क्लियर हो रही हैं तो अपने को इसके साथ साथ एमटीजी, ठीक है, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स नाम से एक बुक आती है जो कि अपने पास में इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए मेनली देखने के लिए मिलेगी, जो ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, जबकि जो हिंदी के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें थोड़े क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़े कम मिलते हैं। तो अपन बात करेंगे एमटीजी के बारे में। तो एमटीजी की अपने को लेकर के आनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी क्लियर करनी है, उसके साथ साथ अपने को एमटीजी लेके आनी है, तीन बुक्स लेके आनी है, मोटी मोटी तीन किताबें आएगी। एक किताब में एक सब्जेक्ट के टोटल 4000 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 12000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अभी डिजिट देख के अपने को डरना नहीं है, या फिर बायोलॉजी के 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 10 दिन में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं जो नीट में आते हैं मेनली। ठीक है, अब नीट में आएंगी, इनके 12000 के बाहर एक भी क्वेश्चन नीट के अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि तीनों एनसीईआरटी फिर एमटीजी। बात आती है कि जब अपनी प्रिपरेशंस पीक पे चलती है और जब वो प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी होती है तब अपन क्या करेंगे, तो अपन लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ 10 ईयर, 10 साल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर की अलग अलग किताबें आती है। केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज आएगी, फिजिक्स की आएगी और बायोलॉजी की आएगी। वो अपने को फिर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने अपने को आएगी। वो 15 या 18 साल तक के उसमें क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अपने को सॉल्व कितने करने हैं, उसके अंदर अपने को 10 साल तक के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, क्योंकि पैटर्न जो है अब एनसीईआरटी बेस्ड है। और पुराने जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको डर लगने लग जाएगा कि ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने नहीं पढ़ा, तो वो पुरानी जो किताबें हुआ करती थी पहले के टाइम की, उन किताबों से उठा रखा है। जब प्रदीप भी पढ़ा करते थे लोग, दिनेश भी पढ़ा करते थे लोग, ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स की जो शीट आती है ये भी सब पढ़ा करते थे, तो उनसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। तो प्योरली एनसीईआरटी फोकस्ड है, प्रीवियस 10 ईयर, और थोड़े बहुत जो बाहर के क्वेश्चंस मिलते हैं ना उनको एज इट इज वहां से उठा के रट लेना है। ऐसे नहीं है कि इसका टॉपिक समझेंगे, पहले क्या आता था इसका टॉपिक को अपने, जैसे 1D ग्राफ जनरेटर आता है फिजिक्स के अंदर, तो अब उसको एनसीईआरटी में जितना कन्फाइंड दे रखा है ना उसको ही पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि पहले पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता था तो अपन पूरा उसको रीड करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। और लास्ट जब अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाती है तो अपने को पिछले 12 साल के मिनिमम, आप ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन पिछले 12 साल के पेपरों को सॉल्व करना है। ये सारी चीजें जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की, फिर एमटीजी की बुक लेकर के आनी है अपने को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, ऑलमोस्ट 12000 क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेके आने, 10 साल के तीनों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो सॉल्व करना है। और लास्ट में एग्जाम से पहले 20-25 दिन तक अपने को पिछले 12 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और फायदा ये होगा कि ये जो क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करोगे ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी।
इनके बाहर हाल फिलहाल नेट में एक भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। अगर आपको कोई लगता है कि ये क्वेश्चन बाहर से आ रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, अपने को 720 में से 710 भी ले आएंगे अपने को। अगर दो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहे हैं तो भी अपने को एम्स दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है ये सारी चीजें आपकी रेडी हैं तो आपका नीट में सिलेक्शन भी श्योर शॉर्ट रेडी है। फिर आपको लगता है कि मेरे को एम्स की भी प्रिपरेशन करनी है, उसके लेवल की भी फिजिक्स करनी है, तो एम्स के जितने भी एसर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी में से आते हैं फिजिक्स की, ठीक है। एआर के बाद आपको डीप जाना है तो आप एचसीवी में जाएं, या फिर आप यूनिवर्सल तो मैं नहीं कहूंगा कि आप प्रीफर करें, उसमें तो बहुत वास्ट है कि फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो आप मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी को क्लियर करें, फिर एमटीजी को क्लियर करें, और उसके बाद में आपको लगता है कि एम्स के लिए और स्टडी की जरूरत है तो आप एचसीवी वगैरह या इरोडॉव वगैरह आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को यही किताबें लेकर के आनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप, इसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं पढ़नी है। ओके, थैंक यू।